मॉर्निंग, जय श्री स्वामीनारायण बेटा। बेटा जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इसके अंदर हम लोग कितने सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि आज हम लोग लेने वाले हैं गोल्डन रूल्स। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये जो गोल्डन रूल्स है वो आप लोग कोई भी स्टैंडर्ड में जाओगे, कॉलेज लेवल में जाओगे, तो आप लोगों को अकाउंटेंसी के अंदर यही गोल्डन रूल्स वहाँ पे आप लोगों को फॉलो करने होंगे। आप लोगों ने सुना होगा डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में, तो किसको डेबिट में डालना है, कौन से आइटम को क्रेडिट में डालना है, वो रूल्स यहाँ पर हम लोग आज पढ़ेंगे। गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स। गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स के अंदर दो टाइप है, पर्सनल अकाउंटिंग एंड इम्पर्सनल अकाउंटिंग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पर्सनल अकाउंटिंग। पर्सनल अकाउंटिंग यानी कि ओनर की बात हो रही है। पर्सनल अकाउंटिंग के अंदर क्या होगा, डेबिटेड किसका नाम होगा, रिसीवर, जो रिसीव करेगा वो डेबिटेड। एंड सीआर में क्या लिखा है, गिवर। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल ले तो ओनर इज़ अ गिवर। ओनर है वो कंपनी के अंदर रुपीज़ लेकर आता है, तो ओनर है वो गिवर है, रुपीज़ लेकर आता है। तो रिसीव हमें क्या हुआ, कैश रिसीव हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू गिवर कौन बना है, ओनर बना है। तो यहाँ पे टू करके हम लोग ओनर का नाम डाल देंगे। ओके, आप लोगों को डिटेल में इनके बारे में जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है जनरल एंट्री, तो हम लोग जो ये गोल्डन रूल्स पढ़ रहे हैं ना वो जनरल एंट्री के ही है, तो आप लोगों को ज़्यादा उस टाइम पे समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इनपर्सनल। इनपर्सनल के अंदर नंबर 1 है रियल। रियल का रूल्स है व्हाट कम्स इन डेबिटेड, व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड। व्हाट कम्स इन डेबिटेड, व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड। अब इसको कैसे देखना है, तो आप लोग सिर्फ केस एंड बैंक ट्रांजैक्शन में इनको देख सकते हो। जैसे कि केस कम्स इन, केस कंपनी के अंदर आया है तो उसको हम लोग डेबिटेड में डालेंगे। केस गोज आउट यानी कि केस हमारे कंपनी में से जब जाएगा तब उनको हम लोग क्रेडिट में डालेंगे। जैसे कि आप लोगों को एक एग्जांपल दूँ, केस में हम लोगों ने परचेस किया है केस में रॉ मटेरियल का, तो केस हमारे हाथ में से जा रही है यानी कि केस आउट हो रही है, तो केस क्रेडिट में चला जाएगा यानी कि डेबिट में क्या आएगा, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू केस अकाउंट। ऐसे ही मैं सेल्स की बात करूं तो सेल्स यानी कि हमारे पास रुपीज़ आएंगे यानी कि केस कम इन, तो केस हमारे पास आ रही है यानी उनको हमें डेबिट करना होगा, तो केस अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ऐसे भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आप लोगों को दूसरा एग्जांपल दूं। जैसे कि कोई पर्सन है उसके पास से हम लोग रुपीज़ ले रहे हैं, सपोज करो यहाँ पे कोई एक का नाम एक्स है, उसके पास से हम लोग रुपीज़ ले रहे कंपनी के अंदर, केस कंपनी में आ रही है, केस कम इन हुई, तो केस अकाउंट डेबिटेड टू एक्स अकाउंट, समझ गए। ऐसे ही नेक्स्ट है नॉमिनल। नॉमिनल स्पेशली एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम, प्रॉफिट एंड गेन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि उनका रूल्स है एक्सपेंस एंड लॉस डेबिटेड टू इनकम प्रॉफिट एंड गेन क्रेडिटेड। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है वो नहीं, दूसरा मैं आप लोगों को समझाती हूँ। जैसे कि रेंट पेमेंट करना, रेंट पेड, किसी को हम लोगों ने रेंट पेमेंट किया है तो क्या लिखा है यहाँ पे, एक्सपेंसेस डी आर राइट, तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू केस। अब रेंट पेमेंट किया है ना उसके अंदर आप लोग, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नॉमिनल वाला ही याद रखो, इसके अंदर जाओ, आप लोगों ने क्या किया, केस में पेमेंट किया रेंट को, तो केस आउट हुई
कंपनी में से। आउट यानी क्रेडिट में डालना है, तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू केस अकाउंट। इसलिए आप लोग वहाँ पे कोई भी रूल्स याद रख सकोगे तीन में से, एंड तीनों याद रखने हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीन में से कोई भी आप लोग एक याद रखोगे तो भी आप लोग सारी जनरल एंट्री के ट्रांजेक्शन की एंट्री आप लोग दे पाओगे। ओके, अब इनको ही हम लोग आगे डिटेल में देखते हैं, जैसे कि असेट्स है, लाइबिलिटीज है, कैपिटल है। आप लोगों ने ये सारे वर्ड्स के बारे में देख लिया है चैप्टर नंबर 1 के अंदर, तो उसकी यहाँ पे हमें जर्नल एंट्री कैसे करनी है। जैसे कि हम लोग सबसे पहले असेट्स का देख लें, इंक्रीज इन असेट, जब असेट इंक्रीज होगी तब हम लोग उनको डेबिटेड करेंगे। इंक्रीज इन असेट्स, डिक्रीज इन असेट क्रेडिटेड, इंक्रीज इन असेट डेबिटेड, डिक्रीज इन असेट क्रेडिटेड। यानी कि कोई भी असेट्स है उसमें इंक्रीमेंट हुआ, जैसे कि पहले हमारे पास था 10,000, इस ईयर 20,000 इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये 20,000 की हमें एंट्री कैसे देनी है, तो हम लोग इसकी एंट्री देंगे असेट्स अकाउंट डेबिटेड 20,000। अब समझ लो डिक्रीज हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिटेड में असेट को डाल देंगे। ओके, ऐसे ही हम लोग एक्सपेंसेस का देख लेते हैं। एक्सपेंसेस एंड असेट्स के रूल्स सेम हैं, क्योंकि असेट्स है वो डेबिट साइड लिखी जाती है, इसलिए इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिटेड, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस क्रेडिटेड, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिटेड, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस क्रेडिटेड। अब हम लोग देखते हैं लायबिलिटीज के रूल्स, इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिटेड। क्योंकि लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिटेड ही होती है, इसलिए लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो उनको हम लोग क्रेडिटेड करेंगे, एंड लायबिलिटीज डिक्रीज होगी तो उनको हम लोग डेबिटेड करेंगे। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट है कैपिटल। अब आप सभी को पता होगा, मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर के अंदर बैलेंस शीट ड्रॉ करके बताई थी कि लायबिलिटीज साइड, बैलेंस शीट के अंदर दो साइड होती है राइट, एक असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज साइड कैपिटल एंड अदर्स लायबिलिटीज लिखी जाती है, तो जो जो लायबिलिटीज का रूल्स होगा वो कॉपी टू कॉपी कैपिटल का भी रूल्स होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिटेड, तो इंक्रीज इन कैपिटल भी क्रेडिटेड हो जाएगा। ऐसे ही डिक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिटेड, तो डिक्रीज इन कैपिटल है वो भी डेबिटेड हो जाएगा। ओके, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके रिलेटेड हम लोग सम्स देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि ये डेबिट क्रेडिट क्यों कर रहे। ओके, दूसरा आगे प्रॉफिट के बारे में, इंक्रीज इन प्रॉफिट क्रेडिटेड, प्रॉफिट जब भी इंक्रीज होगी तो हम लोग क्रेडिटेड करेंगे। डिक्रीज इन प्रॉफिट डेबिटेड, प्रॉफिट है वो डिक्रीज होगी उनको डेबिटेड करना होगा। ओके, अब हम लोग इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक देखेंगे जो है गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो भी अकाउंटिंग के अंदर प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशन जो बनाए गए हैं उनको बोला जाता है गैप। वो फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर फॉलो किया जाता है, कहाँ पे, फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर फॉलो किया जाता है। जो भी अकाउंटिंग के लिए, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए एक्ट बनाया गया है वो गैप के अंदर बनाया गया है। जो एक्ट बनाए गए हैं, प्रिंसिपल बनाए गए हैं, स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, उसकी वजह से फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेशन करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि सारे रूल्स है वो सभी लोग उसको फॉलो करेंगे तो सभी को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग इम्पोर्टेंस ले लेते हैं गैप के। नंबर 1 है ट्रांसपेरेंसी।
अब रूल्स है वो सभी कंपनी में सेम रहेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए सारे रूल्स प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड एक्ट सभी में सेम रहेंगे, तो एक दूसरे के जो भी ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड किए गए हैं वो अच्छी तरीके से उनको समझ पाएंगे एंड एनालिसिस कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है रिपोर्टिंग। कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके बनाया गया है तो उसको किसी के सामने रिपोर्ट करने में आसानी हो जाएगी। थर्ड है मेकिंग इम्पोर्टेंट डिसीज़न। कोई भी डिसीज़न लेने होंगे तो आप लोगों को पता है यहाँ पे फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन को क्लियरली समझ पाते हैं, राइट, क्योंकि गैप का यूज़ किया गया है। इसलिए हर एक कंपनी में गैप को कंपलसरी यूज़ करना होता है। गैप के अंदर कितने सारे अकाउंट्स के एक्ट प्रिंसिपल स्टैंडर्ड रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे लिखे गए हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो कोई भी डिसीज़न लेना होगा तो उसको रूल्स एंड रेगुलेशन पता होगा तो इन्फॉर्मेशन को ठीक से समझ के प्लानिंग भी बना पाएगा एंड कोई भी डिसीज़न या तो कंट्रोलिंग भी कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट है इजीली समझ पाना। कोई भी यूज़र्स है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र्स, वो इस इन्फॉर्मेशन को इजीली समझ पाता है। रीज़न क्या है? क्योंकि गैप के अंदर प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन सारे के सारे डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं। सारे कंपनी हैं वो उसको फॉलो करके अपने जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी अकाउंटिंग उसमें से फॉलो करके ही करती है, तो सभी कंपनी की सेम ही अकाउंटिंग होगी, सारे ट्रांजैक्शन का सेम ही रिकॉर्ड होगा, तो सभी यूज़र्स उनको अच्छी तरीके से समझ पाते हैं इजीली। ओके बेटा, तो मैंने यहाँ पे गैप का मीनिंग भी लिखा हुआ है। गैप यानी कि सभी लोग एक्सेप्ट किए हुए रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस, उनको बोला जाता है गैप। अब गैप के अंदर कितने सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं? बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, तो उसके अंदर नंबर वन है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जैसे कि आप लोगों ने पहले एंटिटी के बारे में देखा था उसी टाइप का ही है। नंबर टू है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। नंबर थ्री है गोइंग कॉन्सेप्ट। नंबर फोर है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। नंबर फाइव है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। नंबर सिक्स है ड्यूल कॉन्सेप्ट। नंबर सेवन है रिवेन्यू कॉन्सेप्ट। नंबर एट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। नंबर नाइन है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। नंबर टेन है कंसिस्टेंसी। नंबर इलेवन है कंजर्वेटिज्म। 12 मटेरियलिटी एंड 13 है ऑब्जेक्टिविटी। ये सारे कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे पढ़ने हैं जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड टर्म्स है। ओके, तो आज हम लोग सबसे पहले नंबर वन ले लेते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है? तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यानी कि बिजनेस एंड ओनर्स दोनों सेपरेट है। बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाता है सारे ट्रांजैक्शन को, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ट्रांजैक्शन को देखकर रिकॉर्ड किया जाता है। कैपिटल इज ट्रीट एज लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म बाय अज्यूमिंग दैट द फर्म हैज़ बोरो फंड्स फ्रॉम इट्स ओनर। ओनर के पास से जो भी रुपीज़ इन्वेस्ट किए जाते हैं कंपनी के अंदर उसको बोला जाता है कैपिटल। आप लोगों को पता ही होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कैपिटल का मीनिंग, कि कैपिटल यानी कि जो ओनर होते हैं वो कंपनी में रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं उनको बोला जाता है कैपिटल, वो कंपनी की लायबिलिटीज़ कहलाएगी। ओके,
दिस प्रिंसिपल अप्लाई टू एवरी फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज इंक्लूडिंग प्रोप्राइटरशिप. ये प्रिंसिपल है वो सारी एंटरप्राइज को फॉलो करना पड़ता है, इंक्लूडिंग प्रोप्राइटरशिप फॉर्म को भी. पार्टनरशिप में हो या तो सोल्ड प्रोप्राइटर हो, सोल्ड यानी कि अकेला ही ओनर हो, तो भी ये टर्म को, ये प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है. ओके, हम लोग इनका एग्जांपल ले लेते हैं और देख लेते हैं. मिस्टर मोहित स्टार्ट बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹2 लाख. मोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया है, उसके अंदर रुपीज़ इन्वेस्ट की है 2 लाख. ही परचेज गुड फॉर ₹70,000. उन्होंने परचेस किया है गुड्स को 70,000 में. फर्नीचर फॉर ₹40,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ₹80,000 एंड 10,000 एंड बाकी के जो भी हाथ में रुपीज़ बचे हैं वो दिस आर द असेट्स ऑफ द बिजनेस एंड नोट ऑफ द ओनर. ये सारी की सारी जो असेट्स है वो बिजनेस की है, ओनर की नहीं है. अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट 2 लाख विल बी ट्रीट बाय बिजनेस एज कैपिटल. वो बिजनेस के लिए 2 लाख है वो कैपिटल है, यानी कि बिजनेस की वो लायबिलिटीज़ है. अब हम लोग सपोज करते हैं कि समझ लो, नाउ सपोज ही टेक, वो ओनर है वो 5,000 केस एंड गुड्स 5,000 लेकर जाता है पर्सनल यूज़ के लिए, तो उनको बोला जाता है विड्रॉ करना. आप लोगों को पता है ड्राइंग का, आप लोगों ने डेफिनेशन, ड्राइंग की डेफिनेशन आप लोगों ने देखी थी, ड्राइंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखा था चैप्टर नंबर 1 के अंदर. ड्राइंग यानी कि कोई भी ओनर है वो कंपनी में से रुपीज़ पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है, उनको बोला जाता है ड्राइंग. तो यहाँ पे कोई भी पार्टनर है, कोई भी ओनर है कंपनी के अंदर से रुपीज़ विड्रॉ करके लेकर जाता है पर्सनल यूज़ के लिए, उनको बोला जाता है ड्राइंग. कंपनी में से उन्होंने उठाया है इसलिए कंपनी के अंदर विड्रॉ हुआ, इसलिए वहाँ पे ड्राइंग में एंट्री आ जाएगी. ओके बेटा, कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट. ये मनी मेजरमेंट के बारे में भी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में देखा था कि कोई भी फॉर्म है उस फॉर्म के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, उस ट्रांजेक्शन को मनी टर्म के अंदर हमें कन्वर्ट करना पड़ता है. कोई कोई ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन को, जो कंपनी के अंदर ऑपरेशंस होते हैं उसको इफ़ेक्ट होता है, लेकिन उसको हम लोग मॉनिटरी टर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं. जैसे कि ऐसे इवेंट्स है, जैसे कि कोई किसी की डेथ हो जाए, या तो कोई एम्प्लॉय है वो लॉन्ग टाइम के लिए बीमार पड़ जाए, तो उसकी इफ़ेक्ट कंपनी के जो भी ऑपरेशन होते हैं, कंपनी के अंदर जो भी काम चलते हैं उसको इफ़ेक्ट करता है, लेकिन उसको हम लोग मॉनिटरी टर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, राम स्टार्ट बिजनेस विथ 20,000 इन केस. राम ने स्टार्ट किया है बिजनेस को 20,000 केस के साथ. 50 kg ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पे क्या लिखा है, 50 kg ऑफ रॉ मटेरियल, 10 kg ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड 2 मशीन्स. अब यहाँ पे आप लोग मॉनिटरी टर्म में इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग ऐसे नहीं बोल सकते हो कि हमारे फॉर्म के अंदर रुपीज़ इतने हैं. मतलब आप लोग मॉनिटरी टर्म के अंदर उनको यहाँ पे कन्वर्ट करना कंपलसरी होता है. यहाँ पे आप लोग ऐसे ट्रांजेक्शन लिखोगे कि 50 kg रॉ मटेरियल है, 10 kg फिनिश गुड्स है, 2 मशीनरी है, 3 फर्नीचर है, 4 चेयर है, ऐसे आप लोग ट्रांजेक्शन को लिखोगे तो नहीं चलेगा. उसके बदले में हमें कैसे लिखना होगा, तो हमें लिखना होगा कि केस लेकर आया है 20,000, रॉ मटेरियल है 1 लाख, फिनिश्ड गुड्स है 40,000 एंड मशीनरी है 2 लाख. यानी कि हमें ट्रांजेक्शन को रुपीज़ मॉनिटरी टर्म में लिखना होगा. ओके, अभी आप लोगों को यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा. ओके.
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ड्यूल कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो बिजनेस की कोई भी ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन के दो जगह पे एंट्री होती है, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। इसलिए डेबिट एंड क्रेडिट दोनों अमाउंट है वो इक्वल होती है। एंड मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि बैलेंस शीट के अंदर असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ दोनों साइड है वो इक्वल आती है। रीज़न यहाँ पे मैं आप लोगों को वापस याद करवाऊंगी, ओके। इसलिए यहाँ पे उनका फॉर्मूला बनाए, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी टू कैपिटल। हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि ड्यूल कॉन्सेप्ट कैसे होता है, दो जगह पे कैसे कैसे उसकी एंट्री होती है कोई भी ट्रांजेक्शन की। राम स्टार्ट बिजनेस विथ केस, राम ने स्टार्ट किया है बिजनेस को केस से, वन लेग केस लेकर आता है। इनकी वजह से केस इंक्रीज होगी एंड असेट साइड भी इंक्रीज होगा, क्योंकि केस है वो असेट साइड लिखी जाती है इसलिए। एंड कैपिटल इन लाइबिलिटी साइड बाय वन लेग, एंड कैपिटल है वो लाइबिलिटीज़ कहलाएगी, इसलिए कैपिटल की एंट्री लाइबिलिटी साइड आएगी। वापस मैं आप लोगों को समझाऊं तो, कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो केस लेकर आता है, केस यानी वो असेट हो गई, यानी कि असेट में भी वन लेग लिखा जाएगा। एंड कैपिटल है वो लाइबिलिटीज़ हो गई। बैलेंस शीट में दो जगह है, एक तो लाइबिलिटीज़ एंड दूसरी असेट्स। यहाँ पे हम लोगों ने केस लिख लिया, केस है वन लेग की, तो यहाँ पे वन लेग केस लिख लिया। एंड ऐसे ही कैपिटल है, कैपिटल है वो लाइबिलिटी साइड लिखा जाता है, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने वन लेग कैपिटल लिख लिया, इसलिए दोनों साइड उसकी अमाउंट है वो इक्वल आ गई। एंड ये एक ट्रांजेक्शन की दो जगह पे भी एंट्री हो गई। मैं आप लोगों को यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि गुड्स परचेस किया है, रॉ मटेरियल परचेस किया है एंड पेमेंट किया है हम लोगों ने चेक थ्रू। रॉ मटेरियल परचेस किया यानी इन्वेंट्री, इन्वेंट्री यानी असेट्स, एक असेट्स में एंट्री आ गई एंड असेट इंक्रीज हुआ है, राइट, हम लोगों ने परचेस किया है उसकी वजह से। अब हम लोगों ने चेक थ्रू पेमेंट किया है, चेक थ्रू पेमेंट किया है यानी कि हमारी जो असेट साइड बैंक बैलेंस होगी उसमें से इतने रुपीज़ डिडक्ट हो जाएंगे, यानी कि इसकी भी दो एंट्री आ गई। ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन की दो जगह पे इफ़ेक्ट होती है। कोई भी ट्रांजेक्शन आप लोग ले लो, आप लोग केस में भी ट्रांजेक्शन ले सकते हो। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ, रेंट पेमेंट किया है केस थ्रू, हम लोगों ने रेंट पेमेंट किया है, तो एक तो रेंट पेमेंट किया तो रेंट अकाउंट में एक एंट्री आ जाएगी, एंड दूसरा केस में हमने रेंट पेमेंट किया है तो एक केस अकाउंट में आ जाएगी। ऐसे सारे ट्रांजेक्शन की एंट्री दो जगह पे आती है, क्रेडिट एंड डेबिट। इसलिए क्रेडिट एंड डेबिट दोनों साइड इक्वल होती है एंड इसलिए बैलेंस शीट में भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ इक्वल होती है, ओके बेटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, उसका दूसरा नाम है हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट है वो हम लोग जो असेट्स होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं बुक के अंदर, तो वहाँ पे कितनी प्राइस लिखनी है हमें वो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके गिनी जाती है। अब कॉस्ट कॉन्सेप्ट है तो कॉस्ट कैसे गिनी जाती है, कोई भी असेट्स है उसकी प्राइस कैसे गिनी जाती है, तो परचेस प्राइस इंक्लूड, उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन, जो हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस किया है वो एक्सपेंसेस है उस असेट्स के रिलेटेड, वो सारे के सारे यहाँ पे लिखे जाते हैं, मतलब उसके अंदर इंक्लूड किए जाते। फॉर एग्जांपल कोई भी मशीनरी हम लोगों ने परचेस की है 50,000 में, हम लोग कॉस्ट कैसे गिनते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। बुक के अंदर मशीनरी की प्राइस कैसे लिखी जाती है, कौन सी लिखी जाती है, कैसे गिनते हैं उनको, वो एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे। समझ लो हम लोगों ने मशीनरी को परचेस किया है, कोई भी प्लांट को परचेस किया है 50,000 में, उसके रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट किया है तो उसके रुपीज़ है 10,000, जैसे कि उसको रिपेयर करने के चार्ज है 15,000, उसको इंस्टॉलेशन उसके ऊपर चार्ज लगा है 25,000, ये सभी का प्लस किया जाता है। एंड जो भी अमाउंट आती है वो प्लांट की अमाउंट है, उसको हम लोग अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, जो भी अमाउंट आती है उसको हम लोग बुक के अंदर रिकॉर्ड कर देते हैं। तो सभी का हम लोग टोटल करेंगे तो अमाउंट आएगी 50,50,000, ओके। अब इसकी वजह से ना दो नए कॉन्सेप्ट सामने आते हैं, हिडन लॉस एंड हिडन प्रॉफिट। तो कोई भी असेट्स होती है वो असेट्स की प्राइस है ना हर ईयर सेम कॉपी टू कॉपी लिखी जाती है, उसमें मार्केट वैल्यू को इग्नोर किया जाता है।
कोई भी असेट्स है उसकी मार्केट वैल्यू को इग्नोर किया जाता है। तो मार्केट वैल्यू आप लोगों को पता है अप डाउन रहती है। जैसे कि हम लोग लैंड की देखने जाएँ तो लैंड हम लोगों ने 2015 में परचेस किया होगा 10,000 में, एंड अभी देखने जाए तो उसकी प्राइस 1 लाख हो गई होगी। तो उसको इग्नोर किया जाता है। कितना लिखा जाता है लैंड को? 10,000 ही लिखा जाता है हर ईयर में। एंड उसके ऊपर, लैंड के ऊपर तो आप लोगों को पता है डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। अब डेप्रिसिएशन वर्ड के बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊँ, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर हिडन लॉस क्या है, हिडन प्रॉफिट क्या है वो बता देती हूँ। जो भी कॉस्ट प्राइस है उसको हम लोग हर टाइम लिखते हैं, उसकी वजह से जो मार्केट वैल्यू को हम लोगों ने इग्नोर किया है तो उस बीच में जो भी डिफरेंस है, छुपी हुई लॉस या तो छुपी हुई प्रॉफिट होती है। जैसे कि कॉस्ट प्राइस है वो कम हो गई है, मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो गई है तो लॉस आएगी, एंड मार्केट वैल्यू ज़्यादा है एंड कॉस्ट प्राइस कम है तो हिडन प्रॉफिट होगी। अब डेप्रिसिएशन यानी कि कोई भी असेट्स होती है, हम लोगों ने अभी परचेस की है, 2-3 ईयर के बाद उनको हम लोग बेचने जाएंगे तो उसकी प्राइसें ना कम हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने उस असेट का यूज़ किया है। तो जितना भी हम लोगों ने यूज़ किया है उसके ऊपर जो भी रिपेयरिंग हम लोगों ने किया है वो सब है वो माइनस हो जाता है, तो उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। एंड लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगता है? दूसरी सारी फिक्स असेट के ऊपर, याद रखना, दूसरी सारी फिक्स असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, सिर्फ लैंड के ऊपर नहीं लगता है, सिर्फ लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। रीज़न क्या है? क्योंकि लैंड की कोई भी रिपेयरिंग चार्ज नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मशीनरी ख़राब हो गई तो लैंड भी खराब हो गई, ऐसा नहीं होता है। इसलिए, एंड दूसरी बात, उसका कोई भी यूज़ करने का लिमिट नहीं होता है। जैसे कि मशीनरी 4 ईयर तक चलेगी, जैसे कि ये प्लांट है इतने ईयर तक चलेगा, तो उस लैंड का हम लोग कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसकी कोई भी लिमिट नहीं होती है कि इतने ईयर तक ये लैंड हमें काम आएगी। ओके, इसलिए लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं लगता है। दूसरी फिक्स असेट्स के ऊपर, सारे फिक्स असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन होता है, लेकिन लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं होता है। मैंने आप लोगों को यहाँ पे रीज़न भी बताया। ओके, तो बेटा आज का आपका होमवर्क रहेगा, जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़े हैं वो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड ड्यूल कॉन्सेप्ट। ये 4 कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोगों को डिटेल में ओन वर्ड्स में लिखना है। ओके, कॉपी टू कॉपी जो मैंने आप लोगों को दिया है उसमें से कॉपी नहीं करनी है, आप लोग अपनी तरीके से लिखना। कोई भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप करना। एंड दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो भी होमवर्क भेजते हो, होमवर्क एंड क्लास वर्कबुक दोनों आप भेजोगे तब ही आप लोगों की अटेंडेंस के अंदर प्रेजेंट की जाएगी। हर एक सब्जेक्ट के अंदर आप लोग याद रखना, मन में रखना कि हम लोग होमवर्क एंड क्लास वर्कबुक भेजेंगे तो ही हमारी अटेंडेंस है वो प्रेजेंट की जाएगी। आप लोगों को कब भेजनी है? तो नेक्स्ट पीरियड हम लोग मिले उससे पहले, नेक्स्ट पीरियड में हम लोग मिले उससे पहले आप लोगों को होमवर्क भेज देना होगा। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।